Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing fine. Today I'm going to share you guys my experience with Parul Girl Makeup Academy. Let's go. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है या मैं अपने थॉट्स या रिव्यूज़ को शुगर कोट करके नहीं बताने वाली हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहली बात तो जो मैंने कोर्स करा था डैट वॉज प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स पर्सनली टॉट बाई पारुल गर्ग. तो पहले मैं बात करूँगी कि मुझे एडमिशन या मैं कैसे एनरोल हुई हूँ इस कोर्स में. अगर आपको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है तो आप नेक्स्ट पार्ट में स्किप कर सकते हो. एनरोल करने के लिए मैंने अपना नाम वेटिंग लिस्ट में दे दिया था मार्च में और मेरा नाम आया था अगस्त में. तो तुम सोच सकते हो कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है. मैंने एकेडमी में बहुत कॉल्स करी हैं कि मैम मेरा नाम आ गया, मैम मैं कितने नंबर में हूँ वेटिंग लिस्ट में, मैम मेरा कब तक कन्फर्म होगा, मैम मेरे को प्लीज़ कन्फर्म करवा दो, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ. और एक्चुअली उस टाइम पे कोरोना का भी कोई सीन चल रहा था तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था ये प्रोसेस. उसके बाद मेरा बैच था अगस्त का, तो मेरे को एक हफ्ते पहले कॉल आती है कि यू आर सेलेक्टेड, आप आ जाओ. और फिर मैं पहले तो बहुत खुश थी, मैं रो वो दी कॉल में. उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी सेटल हुई फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे पैकिंग करनी है, उसके बाद मुझे पीजी ढूंढना है, उसके बाद वहाँ सेटल होना है. मतलब बहुत कुछ चल रहा था फिर, और ये सब मेरे को एक हफ्ते में करना था. अब बात करते हैं उन 20 या 21 डेज़ की जो मैंने अकेडमी में बिताए. आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट दिस बट ट्रस्ट मी वो मेरे लाइफ के बेस्ट 20 डेज़ थे, या ट्रस्ट मी वो मेरे लाइफ का बेस्ट मंथ था. अकेडमी के एक्सपीरियंस को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगी, मेकअप ऑब्वियसली, हेयर स्टाइल एंड ड्रेपिंग, और तीसरा होगा सोशल मीडिया या डाउट क्लासेस. मेकअप क्लासेस को मैं दो में समझाती हूँ, डेमो क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस. ठीक है, होते दोनों एक ही दिन में थे बट मैं डिवाइड करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है, डेमो क्लास होती थी उसमें पारुल गर्ग मैम मॉडल पे मेकअप करके बताती थी और फिर वही मेकअप लुक हम लोग एक दूसरे पे ट्राई करते थे. लेट से आप लोग 40 स्टूडेंट्स हो तो 20 स्टूडेंट्स आप पे ट्राई करेंगे, आप लोग उन 20 स्टूडेंट्स पे ट्राई करोगे. आफ्टर 10 टू 15 डेज ऑफ बैक टू बैक डेमो क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, डेमो क्लासेस, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मेरे साथ तो ये हुआ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था. आप, मैं ये नहीं बोल रही आप परफेक्ट हो जाओगे बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत बहुत बेटर हो जाओगे. आपको इतनी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं एक बार बता देती हूँ. पहला सीक्रेट ट्रिक्स जो पारुल गर्ग मैम यूज़ करती हैं अपने क्लाइंट्स पे, दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज, तीसरा प्रोडक्ट्स के बारे में लाइक हाई एंड प्रोडक्ट में कौन सा अच्छा है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में कौन सा अच्छा है, मेबलिन में कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैक के कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से मस्ट हैव है आपकी किट में. आपकी किट बना देंगी, आपके किट में बता देंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद डेमो सेशन और प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद एक होता है डाउट सेशन. डाउट सेशन में ऐसा नहीं है कि आपको हैंड रेस करके पूछना है, मैम लिटरली हर स्टूडेंट से पूछती है कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है. मतलब दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो आप प्राइस पे कर रहे हो ना वो वर्थ इट है. मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, बार बार बोल रही हूँ, मैं शुगर कोट नहीं कर रही बट मेकअप क्लासेस वॉज सो वर्थ इट आई एम टेलिंग यू. मैं वही बता रही हूँ, जो मेकअप क्लासेस थी वो तो मेरा बेस्ट पार्ट था पूरी अकेडमी, मतलब पूरे कोर्स का. एक चीज़ बताना भूल गई, आपको नोट्स भी मिलेंगे पारुल गर्ग मैम के, ये आपको एनरोल करने के तुरंत बाद ही मिल जाएंगे. ये एक्चुअली ऐसी कॉपी नहीं होती, अच्छी खासी कॉपी होती है, उसमें पारुल गर्ग मैम का लोगो भी होता है बट कुछ ऐसा. बट मेरे से ना वो नोटबुक फट गई है तो मैंने सारे इसमें स्टिक कर लिए हैं. आप मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में जाके चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं उधर उधर, जैसे मैं मेकअप करते हुए या मैम लोग के साथ, मेरी थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड करी हुई हैं हाइलाइट्स में, गो चेक देम आउट. अब बात करते हैं हेयर और ड्रेपिंग क्लासेस की. हेयर आई थिंक 4 या 5 डेज चला था, या आई थिंक 3 डेज चला था, आई डोंट रिमेम्बर. बट हेयर क्लासेस में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है देर इज़ गुड फॉर यू. मेरे जैसे बच्चा, मुझे चोटी बनाना भी नहीं आती, स्ट्रेट करना आता था, कर्ल्स करना आता था, दैट वॉज गुड. बट मुझे ना ऐसे चोटी बनाना भी नहीं आती, मुझसे वो जूड़े वगैरह नहीं होते थे, अभी भी नहीं होते, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो उस टाइम में बन जाते थे क्योंकि प्रैक्टिस चलती रहती थी ना बार बार तो बन जाते थे. पर अगर अभी मुझे कहते बनाने को तो मैं शायद ना बना पाऊँ. तो हेयर क्लासेस और ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं है कि बुरे थे. आप सभ्यसाची ब्रावो जूड़ा सीखोगे और बहुत सारे जूड़े हैं, आप वहाँ पर सीखोगे सब कुछ. बट अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब कुछ. सेम गोज विद दी ड्रेपिंग क्लासेस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आपको नहीं आएगा. मैंने आज तक साड़ी नहीं ड्रेप करी क्योंकि ना मैं सरदार, तो हम लोग सूट पहनते हैं मैक्स टू मैक्सिमम, और क्या कर लेते हैं.
तो साड़ी ड्रेप करना, मतलब मैम सब सिखाएंगी बनारसी वाला वो, मतलब मैम भी सिखाएंगी आपको ये सब, उनके सीनियर आर्टिस्ट हैं जो ये सब करते हैं तो वो आपको सिखाएंगे, जैसे बनारसी ड्रेप हो गया। मैं कर तो बहुत अच्छा रही हूँ बट बता रही हूँ मैं कि ये सब सिखाया जाएगा आपको, सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आई थिंक सेम गोज विथ मेकअप एज वेल। उसके बाद आता है थर्ड चीज़ में, डैट इज सोशल मीडिया या लाइटिंग वगैरह। वो टॉपिक एक दिन में ही कवर हो जाता है, उसमें मैम आप लोग को बता देंगी कि आपका पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, रिंग लाइट वगैरह, फ़ोन के बारे में बता देंगी, क्वालिटी, हैशटैग्स वगैरह सब मैम बता देंगी, उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, डैट वॉज प्रोफेशनल फ़ोटोशूट। जो सर्टिफिकेट दे के ना एक या दो दिन पहले होगा आपका, उसमें आपको अपनी मॉडल खुद लानी है, ज्वेलरी खुद लानी है, लहंगा वगैरह खुद लाना है, चूड़ा हो गया, हेयर में आपको जो जो लगाना है वो आपको सब खुद लाना है। मॉडल के लिए एक चीज़ कर सकते हो, जो डेमो क्लासेस में मॉडल आती हैं आप उसका नंबर सेव कर सकते हो, या आपको फ़ोटोशूट वाले डे तो काम आएगा ही आएगा बट आगे भी काम आएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट डे की, क्या ही बात करनी है यार उसके बारे में। इट वॉज सच एन अमेजिंग डे। ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, बहुत मज़ा आई थी। हम लोग ने केक काटा था, फिर हम लोग ने फ़ोटोज़ खींची थी, बूमरैंग्स बनाए थे, वीडियोज़ बनाई थी, मैम के साथ फ़ोटो खींची थी और सर्टिफिकेट के साथ ऐसे ऐसे करके फ़ोटो खींची थी। बहुत मज़ा आया था यार, बहुत मज़ा आया था। सर्टिफिकेट वाले डे में मैंने एक स्टोरी डाली थी जो पार्लर मैम ने रीपोस्ट कर दी थी, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चंस का मैं अब रिप्लाई देने वाली हूँ। मैंने काफ़ी का ऑलरेडी दे दिए थे बट कुछ का मैंने नहीं दिया था तो मैंने कहा यही दे देती हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। गाइज उनकी वेबसाइट में मेंशन है 150,000 प्लस 18% GST, तो अगर कोई अपडेट आएगा तो यही याद आना चाहिए, और नहीं आता तो आप कॉल करके कन्फर्म कर सकते हो कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने सुना है पारुल गर्ग मैम इज़ वेरी रूड इसलिए आई एम वेरी स्केयर टू ज्वाइन। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं आपने कहाँ सुना है। एक वर्ड होता है मूफट, शी इज़ मूफट एंड आई लाइक मूफट पीपल, मतलब जो मुँह पे है भाई वो बोल देंगे। ऐसा नहीं कि तुम गलती कर रहे हो तो वो शुगर कोट करके या एकदम प्यार से, मतलब ऐसा नहीं कि वो चिल्ला मार मार के तुम्हें समझा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ना वो तुम्हें चिल्ला के समझा रही है, समझा रही है बस, ये नहीं है कि इतना प्यार से समझाएंगी कि तुम्हें याद ही ना रहे कि मैंने गलती क्या करी थी। ठीक है, शुगर कोट नहीं करती वो चीज़ें को, और मेरे को बहुत सही लगती है यार, अमेजिंग है मैम, उस मैम का मत सोचो, मैम इज़ अमेजिंग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आई मेकअप कौन कौन सा सिखाती है। गाइस सब कुछ मेंशन है उनके कोर्स कंटेंट में, जाओगे ना आप उनकी वेबसाइट में सब कुछ मेंशन होता है, पर हम लोग को सिखाया था कट क्रीज, स्मोकी, पार्टी, ब्राइडल, ग्लिटर वाले है ना, शिमर वाला, सब कुछ सिखा दिया था मैम ने, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं था। अरेबिक कलर्स छोड़ दिया था शायद, क्योंकि अरेबिक ना ब्राइड करवाती नहीं है, बट अगर आप बोलोगे तो वो भी सिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज देती है क्या मैम, हाँ प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से देती है मैम, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद अगला उसी का सवाल है कि एयर ब्रश का क्या सीन है। एयर ब्रश का सीन ये है कि मैम ने ना साफ साफ मेंशन करा है कि एयर ब्रश डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब एयर ब्रश वो करके दिखाएंगी। एयर ब्रश की क्लासेस अगर आपको लेनी है तो उसका अलग चार्जेस है। मैंने एयर ब्रश क्लास नहीं ली थी बट हाँ काफ़ी लोगों ने ली थी एयर ब्रश क्लासेस और उनका रिव्यू बहुत सही था, उन्होंने कहा बहुत अच्छे से सिखाया उन्होंने। उसके बाद एक लड़की ने पूछा मैम बाद में मेकअप देती हैं, मैं समझ नहीं पाई, मैम बाद में मेकअप देती हैं, पहले तो जो क्लास में आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी वो मैम देंगी, ब्रशेस और ब्लेंडर वगैरह आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद गुडीज़ की अगर आप बात कर रहे हो तो नहीं भाई मैम गुडीज़ तो नहीं देती, आप वहाँ मेकअप सीखने जा रहे हो, आप गुडीज़ लेने जा रहे हो, और अगर आपको गुडीज़ मिल रहे हैं तो मैम हमें भी चाहिए, ये क्या बात हुई, हमें भी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुडीज़ नहीं मिल रहे, उनके वो चलते रहते हैं गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और जीतो, मेरी भी उम्मीद है कभी ना कभी जीतने की, मैं भी जीतूंगी आईफोन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मेरे से लिप लाइनर नहीं लगता है मैम, क्या मेरे को वो सिखाएंगी। हाँ मैम आपको वो सिखाएंगी, आपको कुछ भी लगाना नहीं आता, आपको मैम सब कुछ सिखाएंगी, A to Z आपको सब कुछ सिखाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम कौन से ब्रांड्स यूज़ करती हैं, मैं क्यों बताऊँ, पर मतलब उनकी स्टोरीज वगैरह मैम थोड़ा बहुत मेंशन करती रहती है, देख लिया करो स्नीक पीक टाइप्स। बाकी अगर ये कह रहे हो कि मैम कौन से ब्रांड्स हम लोग को यूज़ करवाती हैं, तो मैम ने हाई एंड से लेकर अफोर्डेबल तक सारे यूज़ करवाए हैं, मेबेलिन से लेकर फॉरएवर 52 और मतलब बहुत सारे यूज़ करवाए हैं, आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। दैट्स इट फॉर द Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 80% ऐसे ही थे, फीस कितनी है, और एक का तो आया था कि डिस्काउंट मैम देती हैं कि नहीं देती। भाई आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप कोर्स करने जा रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कोर्स करने जा रहे हो ना तो डिस्काउंट क्यों होता है। अगर कोई पहचान पहचान है आपकी मैम के साथ तो अलग बात है, मेरे को रोना आएगा अगर आपने डिस्काउंट ले लिया तो।
जिन्होंने मुझसे पूछा था वर्थ इट है कि नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से अपना आंसर मिल गया होगा। मेरे हिसाब से 100% वर्थ इट था, स्पेशली मेकअप क्लासेस तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और जो लोग ये सोचते हैं कि YouTube से उन्होंने सीख कर वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही YouTube अच्छा नहीं सिखाते, भाई YouTube बहुत अच्छा सिखाता है। मैंने खुद 8th से लेके 12th तक जितना सीखा है, जितने लुक्स करें वो सब मैंने YouTube से सीखा है। जितना मेकअप की नॉलेज मेरे पास थी वो सब YouTube से। अभी भी मैं क्या YouTube से नहीं सीखती, मैं सीखती हूँ, बट एक प्रोफेशनल कोर्स करना और YouTube से सीखने में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। वो जाके तुम एक्चुअली खुद एक्सपीरियंस करोगे। अपने पे मेकअप करना, दूसरे पे मेकअप करना बहुत डिफरेंट होता है। ये सब जाके ना तुमको पता चलेगा अकेडमी में। मैं ये नहीं कह रही सिवा सिवी अकेडमी में, मैं नॉर्मल सभी अकेडमी की बात कर रही हूँ। तुम अपनी रिसर्च करके ही ज्वाइन करना। बट ये मेरा रिव्यू था पारुलगंज मेकअप अकेडमी का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पारुलगंज मेकअप अकेडमी, आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करी हो। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हो, कभी भी, मैं तुरंत रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने सारे टॉपिक कवर करे हैं, आई होप सो। अगर कोई नहीं कर रहा है तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड। टेक केयर, बाय बाय।